नमस्ते दोस्तों, आप में से बहुत सारे मित्रों ने मुझे बार बार लिखा, बार बार मुझसे पूछा कि ईड़ा सर्ग पर चर्चा हम कब करने वाले हैं। तो लीजिए, वो घड़ी आ ही गई है। आज हम कामायनी की यात्रा में आप पहुंचे हैं उस सर्ग पर जिसका नाम है ईड़ा। ईड़ा अब मनु की संगनी बनेंगी और उनके साथ सारस्वत प्रदेश जहाँ की वो रहने वाली हैं, वहाँ का वो दोनों मिलकर के नव निर्माण करेंगे, उसका नव सर्जन करेंगे। तो ईड़ा सर्ग की आज हम यहाँ शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है नेहा और आप ये चैनल प्रत्यंचा पर वीडियो देख रहे हैं। अगर आप चाहें तो कामायनी की पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप क्रमानुसार सभी वीडियो देख सकते हैं। हम यहाँ ईड़ा सर्ग की शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड क्लियर कर लेते हैं कि मनु श्रद्धा से रुष्ट होकर के, इस बात से परेशान होकर के कि वो घर गृहस्थी के बंधनों में उन्हें बांध देना चाहती है, श्रद्धा को छोड़ करके आ गए हैं। उन्होंने श्रद्धा से अपना मार्ग अलग कर लिया है, उससे कह दिया है कि मुझे ये जो तेरे जीवन की गति है बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं तो हवा के वेग के समान हूँ और तू मुझे इस छोटी सी कुटिया में बांध लेना चाहती है। माना कि बहुत खूबसूरत लताएं हैं, उन पर बहुत खूबसूरत से फूल हैं और तूने इसे अपनी मेहनत से सजाया है, शालियां बीन करके तुलाई है, उन्हें इकट्ठी कर रही है, अन्न के दाने इकट्ठे कर रही है, आज एक आने वाले शिशु के लिए तैयारियां तू कर रही है, लेकिन मेरा मन इस सब में नहीं रुचता। और वो आगे बढ़ जाते हैं और श्रद्धा को पीछे छोड़ आए हैं। किंतु ये निर्णय उनके लिए भी इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसे पीछे छोड़ा है तो अब उसके विषय में कभी नहीं सोचेंगे, या फिर उसे पीछे छोड़ करके उनका मन बेहद शांत है। अब देखिए, कवि यहाँ शुरू करता है बात और वो ये कहता है कि जब वो अधीर होकर के वहां से निकलते हैं, किसी गहन गुहा से अति अधीर, झंझा प्रवास सा निकला यह जीवन। एक बहुत ही गहरी गुफा से, जैसे बेहद अधीर होकर के एक प्रवाह से, एक वेग से, एक स्पीड से जीवन निकल करके बाहर आया है, विक्षुब्ध महासमीर। और अब वो खुले आसमान में तो है, उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे उन्हें कोई कैद कर रहा है, अब उस कैद से वो मुक्त होकर के गुफा के मुंह से बाहर आ गए हैं। लेकिन जब बाहर आए हैं तो वो हवा, जो खुलापन है, उन्हें वो अब पागल कर रहा है। विक्षुब्ध समीर की तरह वो बाहर आए हैं। जब जीवन गुफा से बाहर प्रविष्ट हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को बेहद सिक्योर महसूस कर रहा है या उसके पास अब दिशा निर्देश है। कभी जिन शब्दों का उपयोग करता है उससे पता चलता है कि मनु की मनस्थिति बिल्कुल शांत नहीं है, वो विक्षुब्ध है। ले साथ विकल परमाणु पुंज नव अनिल अनल क्षिति और नीर। और जैसे कि पंच तत्व उसमें मिल करके बाहर आ गए हैं, नभ आसमान को बोलते हैं, अनिल जो है वो हवा को बोलते हैं, अनल अग्नि को बोलते हैं, क्षिति क्षितिज को बोलते हैं, नीर पानी को बोलते हैं। तो ले साथ विकल परमाणु, जैसे जो छोटी छोटी इकाइयां हमारे जीवन को, हमारे शरीर को रचती हैं, हमारी उपस्थिति को, हमारी एग्जिस्टेंस को रचती हैं, वो सभी शक्तियां उसमें बड़ी विकल होकर के बाहर आई थी, शांति से उनमें एक समन्वय होकर के हमारे जीवन का पैटर्न बन रहा हो, उसका डिजाइन बन रहा हो, उसकी रचना हो रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा था। इस गहन गुहा से अति अधीर, झंझा प्रवाह सा निकला यह जीवन, विक्षुब्ध महासमीर, ले साथ विकल परमाणु पुंज नव अनिल अनल क्षिति और नीर, भयभीत सभी को भय देता भय की उपासना में विलीन, प्राणी कटुता को बांट रही जगती को करता अधिक दीन। भय जो है वो आपको हर प्रकार से कार्य करने हेतु अक्षम बनाता है, संपूर्ण सृष्टि को वो दीन कर देता है। दीन गरीब को बोलते हैं, मुफलिस को बोलते हैं। जब आपके मन में भय होता है, भयभीत सभी को भय देता भय की उपासना में विलीन, प्राणी कटुता को बांट रही जगती को करता अधिक दीन। एक कटुता से उत्पन्न हो जाती है और आप जैसे विपन्न हो जाते हैं। जब हमारे अंदर कुछ काम करने का विश्वास होता है, आगे बढ़ने की जब ऊर्जा होती है तो हमें संपन्नता महसूस होती है, ऐसे लगता है कि हम भरे हुए हैं और उस विश्वास से हम उस काम को करने जा रहे हैं। लेकिन जब हमारे मन में, हमारे हृदय में भय होता है तो हम अपने आप को दीन महसूस करते हैं, हम अपने आप को बेहद विपन्न महसूस करते हैं, जैसे आज हमारी शक्तियां क्षीण हो गई हो। निर्माण और प्रतिपद विनाश में दिखलाता अपनी क्षमता, संघर्ष
कर रहा जब से सबसे विराग सब पर ममता अस्तित्व चिरंतन धनु से कब ये छूट पड़ा है विषम तीर किस लक्ष्य भेद को शून्य चीर। ऐसे उन्हें लग रहा है कि मेरे अस्तित्व को एक तीर की तरह एक धनुष से छोड़ तो दिया गया है, अस्तित्व के धनुष ने मेरे जीवन को एक तीर की तरह आगे की तरफ बढ़ा तो दिया है लेकिन उसका कोई दिशा निर्देश नहीं है। किस लक्ष्य को भेजने के लिए वो तीर यहाँ छूट करके आया है अस्तित्व के धनुष से, अस्तित्व एग्जिस्टेंस और उसका धनुष सृष्टि की रचना, उस पर से उसने मेरे जीवन को छोड़ दिया है। आई हैव बीन क्रिएटेड बट आई हैव नो आइडिया टू व्हाट एंड। ये तीर जो है ये किस लक्ष्य को भेदने जा रहा है। और देखिए एक पंक्ति यहाँ आई है, संघर्ष कर रहा सा जब से सबसे विराग सब पर ममता। हमने पहले भी ये बात की कि मनु स्पष्टता से नहीं कह सकते कि उनका सुख श्रद्धा को छोड़ने में ही है। स्पष्टता से उन्हें ये भी नहीं पता वो क्या करने के लिए उत्पन्न हुए। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि अब श्रद्धा के साथ उनका मन उस तरह नहीं रुच रहा जिस तरह पहले उन्हें अच्छा लग रहा था, इसलिए उसे त्याग कर उस गृहस्थी को त्याग करके वो बाहर आ गए हैं। लेकिन अगर आप देखें यहाँ तो कवि ने फिर से इस बात पर यहाँ भार दिया है कि मनु कहता है मुझे तो सब पर विराग है, मेरा मतलब सबके साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं उचाट हो गया हूँ और किसी के साथ नहीं रहना चाहता और सब पर ममता भी, सब पर प्यार भी आ रहा है। तो मनु की मनस्थिति इस वक्त बेहद जटिलताओं से गुजर रही है। देयर इज टू मच कंफ्यूजन इन हिज माइंड, ही डजंट नो व्हाट टू लव, व्हाट टू लीव बिहाइंड एंड वेयर टू गो टू। एंड ही सेज इट फील्स एज इफ माय लाइफ इज लाइक एन एरो व्हिच एग्जिस्टेंस हैज शॉट but that arrow doesn't know what is its aim and what is it's going to actually go and pierce. So this is the introduction to Ida Sarg. Yahan se Ida Sarg shuru hota hai aur aage Manu apni manasthiti ka phir bayan karte hain. Dekhe maine ve shal shrung jo achal himani se ranjit unmukt upeksha bhare tung apne jad gaurav ke prateek vasudha ka kar abhiman bhang apni samadhi mein rahe sukhi. Kehte hain सृष्टि में बहुत सारे ऐसे बड़ी बड़ी पर्वत मालाएं हैं, हिमालय को देखिए किस तरह धरती पर खड़ा हुआ है और अपना अभिमान लेकर के खड़ा है और जड़ प्रकृति से खड़ा हुआ है कि मैं तो एक पहाड़ हूँ, एक पर्वत श्रृंखला हूँ और यही सृष्टि ने मुझे आज योगदान करने के लिए कहा है कि मैं पहाड़ के रूप में, पर्वत के रूप में यहाँ खड़ा रहूं और अपना जड़ गौरव लेकर के वो खड़े रहते हैं। दो शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ है, जड़ और गौरव। एक ये कि पर्वत को अपने पर्वत होने पर गर्व है, दूसरा ये कि जड़ उसको जो सृष्टि ने रोल दिया है, जो उसके उसका भाग नियत किया है वो उस भूमिका को अदा कर रहा है। दूसरी यहाँ वो जो जो दूसरा एग्जाम्पल जो दूसरी परिकल्पना यहाँ लेकर के आते हैं वो है नदी की। कहते हैं बह जाती है नदियां अबोध और नदियां भी अपने मार्ग से जो है वो बह रही है, पहाड़ों से बह करके नीचे आ रही है और धरती को सींच रही है। तो सृष्टि में सब चीज अपनी अपनी भूमिका अदा कर रही है। यहाँ मनु ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी भूमिका क्या है, मैं क्यों आया हूँ, मैं यहाँ क्या करने के लिए आया हूँ। उनकी भूमिका नियत है, वो अपनी भूमिका में स्थित है और वही कर रहे हैं जिसका उनको सृष्टि ने यहाँ करने के लिए एक जिसको कह सकते हैं जिम्मेदारी दी है और एक अधिकार भी दिया है। मुझे क्या अधिकार मिला है और क्या मेरी जिम्मेदारी है। तो मनु कहते हैं प्रतिष्ठा मैं वैसी चाहता नहीं इस जीवन की, मैं नहीं चाहता कि मेरी इस तरह से जीवन की प्रतिष्ठा हो कि नियति या फिर प्रकृति मेरे जीवन की परिसीमाएं बांध दे और कहे कि बस यही तुम्हारा जीवन है और इसी के भीतर तुम्हें जीना है। जैसे कि पर्वत श्रृंखला को उन्होंने एक रोल दिया है, नदियों को उन्होंने एक भूमिका प्रदान की है, क्या वो मेरे जीवन को भी इसी तरह बांध देना चाहती है। मैं तो अबाध गति मारुत सदृश हूं, मैं तो अबाध गति, मेरी गति जो है उसे कोई नहीं बांध सकता और मैं मारुत हवा की तरह हूं। मैं तो अबाध गति मारुत सदृश हूं, चाह रहा अपने मन की, मैं तो सिर्फ अपने मन की करना चाहता हूं, हवा की तरह बहना चाहता हूं, जो चूम चला जाता अगजग प्रतिपग में कंपन की तरंग। और मैं तो कंपन की एक तरंग की तरह, एक वेव की तरह, एक चिंगारी की तरह कांपता हुआ बस आगे ही बढ़ता रहना चाहता हूँ कि मेरे आगे बढ़ने पर कोई रोक ना लगाए, मेरे आगे बढ़ने पर कोई अंकुश ना लगाए। और मैं कैसा हूं वह ज्वलनशील गतिमय पतंग। मनु अपने आप को यहाँ कीट पतंगे की तुलना कर रहे हैं कि मैं ज्वलनशील हूं, जैसे कि
मेरे अंदर एक आग लगी हुई है और मैं गति पर बस बढ़ जाना चाहता हूं। मैं पहाड़ों नदियों की तरह अपनी भूमिका में स्थित नहीं रहना चाहता। तो ये ईड़ा सर्ग का यहाँ हमने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया, उसका तारुफ आपसे कराया। आगे हम इस सर्ग की चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ बात ये स्पष्ट हो गई है कि मनु श्रद्धा को छोड़ तो आए हैं, पर उनके मन में बेहद उथल पुथल है। उन्हें नहीं पता वो किस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि उनका सुख किस मार्ग पर लिखा है। तो हमारे साथ बने रहिए, ईड़ा सर्ग का दूसरा भाग जल्दी ही हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। नमस्ते।